हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 के लिए पेपर F2, जिसमें आप सभी को पढ़ना है बचपन और बाल विकास के बारे में। तो इस पेपर में जो है 3 साल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में, मैंने इसमें नोट किया है और साथ ही साथ जो है बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी नोट किया है, जो कि डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने 3 सालों का जो अध्ययन किया है क्वेश्चन को और देखा है कि डीएलएड के पेपर में जो होता है हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है और वही क्वेश्चन जो है लैंग्वेज चेंज कर पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है इसमें टोटल 30 प्रश्न को लिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 2021 के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन है, बचपन को प्रभावित करने वाला मनोसामाजिक कारक को स्पष्ट करें। जो बचपन को प्रभावित करता है मनोसामाजिक कारक, उसको आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें। जो बाल का विकास होता है, मतलब बाल विकास होता है, उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको विवेचना करना है, मतलब स्पष्ट करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। जो भी टीचर होते हैं उनके लिए बाल विकास की अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो ये काफ़ी आवश्यक है। मैं आपको क्रैश कोर्स वीडियो में सारे आंसर इसका प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूं, आप इसे जो है अपने आप से प्रिपेयर करेंगे और साथ ही इसे पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बच्चों का शारीरिक विकास को संक्षिप्त में वर्णन करें। जब बच्चा शैशव अवस्था की उम्र में होता है और जब तक वो किशोर अवस्था तक की उम्र तक जाता है, तो उनके शारीरिक विकास में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। जो बाल के विकास होते हैं, बाल विकास, उसमें जो है विभिन्न आयाम जो है वह कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शैशव अवस्था का आयु वर्ग क्या है और शैशव अवस्था क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है स्पष्ट करें। जो शैशव अवस्था है उसकी आयु वर्ग कितनी है, शैशव अवस्था क्या है और शैशव अवस्था के विशेषता को आपको बबताना है। आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है स्पष्ट करें। जो भी टीचर होते हैं उनको बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्यों इसके बारे में आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषताओं कौन कौन सी है। जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है या कौन कौन सी है उसके बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में मुख्यतः क्या अंतर है स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन जो है 2019 और 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। वृद्धि एक अलग होता है, विकास अलग होता है, तो इसके बारे में आपको अंतर बताना है दोनों में। मैं आपको इन सारे का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दिनों बाद। 11 नंबर क्वेश्चन है, खेल के विविध को वर्णन करें। खेल के जो विविध है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं इसे परिभाषित करें। जो व्यक्तित्व होता है उससे आप क्या समझते हैं उसे जो है आपको परिभाषित करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल की महत्व को स्पष्ट करें। जो बच्चे खेल खेलते हैं तो खेल के माध्यम से उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, तो उसमें क्या महत्व है उसको आपको स्पष्ट करना है कि बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल की महत्व क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक किसे कहते हैं। सृजनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उल्लेख करें। जो सृजनात्मक विकास होते हैं उसे क्या कहते हैं, उन्हें किसे कहते हैं और सृजनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को आपको उल्लेख करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। जो बच्चों में संवेगात्मक विकास उत्पन्न होता है उसमें जो है परिवार एवं समुदाय की भूमिका क्या होती है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, वर्णन करना है।
16 नंबर क्वेश्चन है, जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। जो जॉन बॉल्बी ने जो है लगाव के सिद्धांत उन्होंने दिया उसके बारे में आपको वर्णन करना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है स्पष्ट करें। खेल बच्चों के लिए क्यों जरूरत है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, विवेचना देना है, व्याख्या देना है। तो खेल आपको पता है कि बच्चों के खेलने के माध्यम से खेल खेलते हैं तो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, तो इसके बारे में आप अपना पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारकों का संक्षिप्त में वर्णन करें। शारीरिक विकास जो होता है उसमें भी उनका प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बच्चों के शारीरिक विकास के संक्षिप्त में वर्णन करें। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर जब तक वो किशोर अवस्था तक की उम्र तक न चला जाए, मतलब 18 साल की उम्र तक न हो जाए, तो उसमें जो शारीरिक विकास होता है उसको आपको बताना है। यह क्वेश्चन ऊपर भी दिया हुआ था, यह क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं। एक सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों का चर्चा करें। गुणों होगा यहाँ पर, गणों नहीं होगा, गुणों होगा। जो सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं और एक सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक है कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है कक्षाई अनुभव में, जब कक्षा में आप पढ़ाते हैं उस समय जो अनुभव होगा उसके अनुसार जो है आपको स्पष्ट करना है। 2019 के एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। जो खेल के सिद्धांत दिए हैं बहुत सारे दार्शनिकों ने उसको एक कोई आपको वर्णन करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मनोगतिक विकास का अर्थ मनोगतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। जो मनोगतिक विकास होता है उसको आपका अर्थ बताना है और जो मनोगतिक विकास को प्रभावित करता है उसके कारक को आपको लिखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के भावनात्मक संवेगात्मक विकास के संदर्भ में जॉन बॉल्बी के सिद्धांत का उल्लेख करें। जॉन बॉल्बी ने जो सिद्धांत दिया है बच्चों के भावनात्मक एवं संवेगात्मक विकास के बारे में उसको आपको उल्लेख करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के खेल के लिए विभिन्न प्रकार एवं सीखने में उनके संदर्भ का वर्णन करें। बच्चे जब खेल खेलते हैं विभिन्न प्रकार के तो वह क्या सीखते हैं उसके बारे में आपको, उसके संदर्भ में आपको वर्णन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन यह है। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे के अनुसार बालक के मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करें। जीन प्याजे ने जो है बालक के मानसिक अवस्था के विभिन्न अवस्थाएं जो बताए हैं उनके आयामों को, उनके विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और क्वेश्चन भी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के संदर्भ में दी गई अवस्थाओं का वर्णन करें। जो कोहलबर्ग जो दार्शनिक थे इनके द्वारा जो नैतिक विकास के संदर्भ में जो अवस्थाएं दी गई है, जो व्याख्या दी गई है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है, वर्णन करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत क्या है समझाए। जो एरिक्सन के द्वारा जो प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत दिए थे उसके बारे में जो आपको समझाना है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को वर्णन करें। जो संवेगात्मक विकास होते हैं उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में आपको वर्णन करना था। आगे देखते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वह 30 नंबर है, बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार समुदाय या समवय समूह समुदाय विद्यालय तथा अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। जो बच्चों के संवेगात्मक विकास होता है उसमें जो परिवार की भूमिका क्या है, समुदाय की भूमिका क्या है, विद्यालय की भूमिका क्या है, अध्यापक की भूमिका क्या है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास के संदर्भ में जीन प्याजे एवं कोहलबर्ग के सिद्धांत को व्याख्या करें। यह क्वेश्चन मैंने ऊपर भी बताया है और यह काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बच्चों के नैतिक विकास के संबंध में जीन प्याजे एवं कोहलबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या करें। 32 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं एवं विशेषताएं कौन कौन सी है उसके बारे में आप लिखें। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं और उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। मैंने ऊपर आपको बताया कि व्यक्तित्व विकास की विशेषता क्या है, किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि
व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर पेपर में जो है लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपको नीचे दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर तीन पर टिप्पणी करें। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ लिखा है जो कि हर साल इसी में से पूछे जाते हैं, और ये 10 मार्क्स के होते हैं। आपको ये 250 वर्ड में लिखना होता है, 250 वर्ड में लिखना होता है और 10 मार्क्स के होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कर। तो हमारा जो पहला है, बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। फिर है नैतिक विकास के बारे में पूछ सकता है। फिर है भय की रोकथाम के बारे में पूछ सकता है। फोर्थ नंबर है बालक का मनोगात्मक विकास के बारे में पूछ सकता है। फिफ्थ नंबर है बच्चे और खेल के बीच में अंतर पूछ सकता है। छः नंबर क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर पॉइंट है, अवलोकन विधि के बारे में पूछ सकता है। 7 है सकारात्मक बीमारियाँ के बारे में पूछ सकता है, जो बीमारियां होती है उससे बारे में पूछ सकता है। जो हमारा ये बीमारियां होता है, क्या होता है, रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, चाहे जो बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो होते हैं जो बच्चों में होते हैं, उसके बारे में आपको पूछ सकता है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकता के बारे में पूछ सकता है, पॉइंट है ये सब। फिर 10 नंबर है भावनात्मक एवं संवेगात्मक विकास के अंतर पूछ सकता है। 11 नंबर है एडिक्शन के सिद्धांत को पूछ सकता है। और 12 नंबर है जीन प्याजे और कोहनबर्ग के सिद्धांत को पूछ सकता है, कोहनबर्ग के सिद्धांत को पूछ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ थी जो कि लॉन्ग आंसर में आपको लास्ट वाला में पूछता है, और मैंने आपको टोटल जो है 40 से ऊपर क्वेश्चन बताया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर इशू आप तैयार कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।